राम जी, कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि शाम को जो है एक खुशखबरी मिली है और ये आया है गूगल एडसेंस से। पिन कोड होता है ये, इसके अंदर एड्रेस के लिए जो वेरिफिकेशन होता है ना, कि जैसे अगर यूट्यूब आगे से पेमेंट भेजता है तो इसी एड्रेस पे आनी चाहिए, किसी और के गलत ना पास से। अगर ये आप वेरीफाई नहीं करते, इसके अंदर एक पिन है वो दिखानी चाहिए, नहीं आते तो फिर ये था कि हमारा जो है ये मोनेटाइज हुआ कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि जो पैसे आते हैं वो अकाउंट में, भाई जब अकाउंट ही वो एड्रेस ही क्लियर नहीं हुआ तो अकाउंट में पैसे कहाँ से आते। तो अब जो है एड्रेस वो है, सारी चीज़ वेरीफाई हो चुकी है, पिन कोड हमारा आ गया है, तो अब जो मेरी पेमेंट आएगी वो मेरे अकाउंट में अब आ सकती है। तो अभी पेमेंट बताऊंगी नहीं कितनी आई है, जिस दिन पेमेंट हाथ में आएगी उस दिन आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो बस ये बहुत खुश हो रही है, एड्रेस वेरीफाई हो रहा है आज इसको देख के। भाई जब बाहर डाक के देने आए ना, अंजू असिस्टेंट करो है तो कुछ मेरा ही है, मैं क्या पता ना भाई के आ गया पता नहीं। और अंशु भाई मैं तो खुश हुई हूँ, अंशु भी बहुत खुश है, आप सुबह ये लेके गया था तो ये चाइनीज मांजा। और वह आज हमारा बेटा बहुत खुश है, कई दिन से बेचारा चल फिर पीछे लग रहा था। और पतंग तो दिखा, कितनी सारी पतंग लेके आए, पतंग और बाद में दिखाऊंगा, पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। और ये चरखा ये वो लेके आए अपने दोस्त के पास, ये खाली इसमें बनेगा ये भी इसमें। और भाई मैं तो इसकी मना कर रही थी, इसमें ब्लेड है इसमें ना, पहली वाली तार है ना ये, मैं तो मना कर रही थी क्योंकि माधव मेरे को दिखा रहा था उसकी सारी उंगलियां कटी पड़ी थी, क्योंकि ये जब डोर खींचते हैं पता नहीं क्या होता है तो उसका सारा हाथ कटा पड़ा था, दिखा रहा था, कह रहा आंटी मेरी सारी उंगलियां कटी पड़ी है। जब मैं पतंग लाया था ना, जब भी पूछ के आया था, जब तो सारे बाजार में खत्म हो गए थे, तो फिर ये एक दुकान पे जाकर मिला है। मैं रात को 9:30 बजे घर में घुसा हूँ इसके मारे, फिर भी पतंग ही लेके आया, गिट्टा तो आज ही सुबह लेके आया हूँ मैं, सुबह आंटी ने गई थी कल तो... मैं गई थी इस बहन के घर तो इसको भी लेके गई थी। अब कल इसमें अपने उसको दोस्त को टाइम दे रखा था, चलेंगे गिट्टा लेने चलेंगे भाई, और बस कल हम हो गए लेट और कल मैंने मंगाया ब्लैक का स्पेशल ब्लैक। और हम 7:30 बजे घर आए, उसके बाद में ये बाजार गया, उस टाइम ये खत्म हो चुके थे। फिर इसको बोला उनने आंटी ने कि सुबह आ जाना तेरे को दे दूंगी, सुबह 7:40 का स्कूल है, 7:15 बजे चला गया। मेरे डोर बात है ना, और भाई ये बहुत कैरी वाली डोर है, बेकार है तो बेकार ही है। कैसी डोर है वॉइस, पतंग पतंग और इसको यहां से पकड़ रखो, ये पतंग तो परसों रात का ही है, यहां से पकड़ साथ में खो जाएगा नहीं तो। और भाई मेरे को देख बताओ, देखियो अब ये इतनी टाइट डोर है और ये इतनी पैनी है, और ये जरा सी बताओ सच में, और इनको डर भी नहीं लगता। उसके भी सारी माधव की भी सारी हुई कट पड़ी थी, इसमें 10 है ठीक है, इसमें 2 कलर है, एक तो पर्पल, ये 5 है और ये ब्लैक वाला। और इसके पापा अच्छी वाली दिलवा के लाते, कह रहे नहीं अच्छी वाली नहीं पापा, ये लेके आऊंगा, इसके पापा कहते हैं मजबूत ले, मजबूत ले, ये भी मजबूती है। हां नहीं अपन सब कुछ अपनी पसंद का ही लेके आए, और ये है तो गाइस ये बरेली की है, देखो इसमें टैग लग रहा है बरेली का, ये बरेली की पतंग है सारी, ये भी बरेली की, पर इसमें ये देखो इसमें लाइनिंग वाली पतंग है ना, ये दिख रही होगी आपको अंदर लाइनिंग, हां तो ये भी बरेली की। कौन सी पतंग है सुई, बरेली की नहीं बोले कि वो एक तो एक डोल वाली कौन है, हैं कौन है पतंगों के नाम कौन है, हां ये आती है, अच्छा इसे कहते हैं। तो भाई मैम तो यहाँ रेवाड़ी माँ के इन पतंगों के बारे में सुना, हमारे यहाँ तो सिंपल सी चीज बनाते हैं, और अब भी यही है, कोई एक आधी पतंग होती है, ऊपर रेवाड़ी में भाई पतंग के लिए तीन कलर है, पूरी रेवाड़ी की जनता है ना पागल हो जाती है, तीन पर्पल ब्लैक सब। तो गाइस दिखाता हूँ अभी आपको पतंग खोल के, मैं भी अभी खोल रहा हूँ, मैंने भी पैकेट के साथ ही निकाली थी, तो स्टेपलर की लगा थी बहुत सारी, आराम से फट जाएगी, मम्मी मेरी पसंद की है ये। तो गाइस अब आप करवाता हूँ इसकी क्वालिटी चेक, अरे यार ये स्टेपलर की लगा थी, और कोई बात नहीं फाड़ो पहले इसको, फाड़ो गाइस ये देखो ये पतंग सही है, तो आपने कुछ भी लेके आ,
मैं नहीं दिलवा था दूसरे को, तो ये आप ये बटर पेपर वाली है लाइनिंग की पतंग। और वो देखिए उसका तो अपने रूटीन है, आप स्कूल से सोएगी पहले, और उसको भी ना इसकी चरखी के बारे में पता है, उसको किसी जाकर उसको किसी से मतलब नहीं। उदास हो गई वो आज स्कूल में, उसके काइट और ये एग्जीबिशन था उसका, बता दो वगैरह लग रही थी, मैसेज आ रखा था ग्रुप में, कल हम वहाँ चले गए ग्रुप, वो मैं मैसेज चेक नहीं करा, और बेचारी पता नहीं कुछ भी नहीं लेके गई, और कह रही मम्मी टीचर से मैंने इसलिए नहीं लिए, सबने बच्चों ने तो लिए, कईयों ने तो, मैंने इसलिए नहीं के लिए कि आप गुस्सा ना हो जाओ कहीं, और कुछ भी नहीं खाके तो कल मेरे को पैसे दे रहे या शाम को मेरे को मोमोज खिलाना, तो भाई कह के सोइए, अब देखते हैं उठ के क्या कराते शाम को ही अपने, अब मोमोज मंगवाती है वो तो पता नहीं, वो तो बटर पेपर की पतंग है, ये एक नंबर की क्वालिटी की पतंग है, ये इसे कहते हैं पतंग, ये देखो गाइस इनकी क्वालिटी बिल्कुल पेपर रेवाड़ी में कुछ है भी ज्यादा क्रेम का। हाँ ये देखो इसे कहते हैं बरेली की पतंग, ये तो है पर्पल कलर और ब्लैक, और दिखाते हैं ये मेरा, ये सबसे ज्यादा ब्लैक कलर की पतंग लगाते हैं, एक पतंग वहाँ भी रखी है, इसका तिल्ला था बोतल का, तेज हवा की पतंग है। तो गाइस ये है ऐसी मेरी कुछ 30 पतंगें, और अब स्कूल से आया है ये टी शर्ट डाल रही, कह रहा हूँ मम्मी बस मैं अपने ये दिखा देता हूँ, इतना पागल हो रहा है, आके ही एक सेकंड भी नहीं बैठा है, और इसकी भी अनबॉक्सिंग कर दी, आपको पतंग भी दिखा दी, और अब कह रहा है अब इस पे लपेटेगा, तो आके लपेटने वाला मशीन में जब लपेटूंगा ना वो भी दिखाऊंगा, दोस्त का ही 3 ड्रिल का इसमें वो थी, 9 तार की ड्रिल थी बहुत पहनी वाली, दोस्त कह रहा खाली हो गया तुम इसे ले लो 70-80 रुपए का प्लास्टिक का, तो आज हम तो माँ बेटा बहुत खुश है, अब वो उसका देखो वो शाम को शाम को वो नाराज होके आई है, क्योंकि उसके आज स्कूल में स्टॉल वगैरह एग्जीबिशन था, तो कुछ भी ना पैसे लेके गई, मैसेज चेक ना उसने किया ना मैंने किया चेक, और आज वो पैसे नहीं लेके गई, तो इतना समूह करके आई कि मैंने कुछ भी नहीं खाया स्कूल में, सब बच्चों ने खाया, और इसकी जो 3-4 फ्रेंड थी वो भी नहीं लेके आई, उन्होंने भी मैसेज चेक नहीं करा, तो 3-4 फ्रेंड आज ये रह गई, तो देखते हैं उठ के मोमोज मंगाते हैं या कल अपने पैसे लेके जाएगी, क्योंकि अभी कल कल रहेगी पतंग का जो ये ट्रेलर है, कल दिखाऊंगा, कल उड़ाऊंगा पक्का, कल छोटी दीजिए ना, कल उड़ाऊंगा। तो भाई मेरे लिए भी कुछ आ गया, मैं भी खुश हो गई बहुत ज्यादा, अंशु के अंशु ने चलनी पतंग ले आया वो भी खुश है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, और भाई ये भी लेके आई है, ऐसी बात नहीं है, अपने लिए परसों रात को अपने पापा के साथ गई थी, और ये देखिए ब्रेसलेट और वॉच लेके आई है, इसको कई दिन से थी मन में कि पापा मेरे को एक वॉच दिलवाओ, तो इसके साथ ये ब्रेसलेट भी है, परसों रात को लेके आई थी, तो भाई मैंने बोल दिया था इसको अपने, ये तेरा राखी का गिफ्ट हो गया भाई, ये यूं मत करियो कि आप मेरे को राखी में कुछ गिफ्ट नहीं दिलवाया, तो ये दोनों चीज़ें लेके आई है, और मेरे को तो बड़ी सुंदर लग रही है, तो ये मेरे और गुड्डू के हाथ से है, चाहे मैं भी पहन लूँ और गुड्डू भी पहन ले, तो दोनों मम्मी बेटी हम पहन सकते हैं, और सुंदर है बहुत ज़्यादा सच में। तो देखिए अंशुमन लिया है ये चरखा भरने का, और ये कट भी गया दो जगह से, उंगली कटवा भी ली, और अभी तो पतंग उड़ाई भी नहीं है, शुरुआत की रील दिखाई थी ना, इसके हाथ लगाना एक बार, मैं लगा से कार है पूरी, पहले देख ली थी मैंने तो, और इसकी हेल्प करवा रहा है सुमित, और दोनों भाई लगे हुए हैं, कह रहा आज तू आया नहीं था, उससे पहले ही मेरे को आवाज लगा, पता क्या कह रहा, तो कह रहा आंटी आज मेरी ट्यूशन की छुट्टी है, अंशु आते ही बता दियो मेरे को मेरी छुट्टी आज की, मेरी छुट्टी आज की, ध्यान ही नहीं चढ़ेगा, मैं पता है 7 बजे पादरी लपेटूंगा, सुमित आ जाएगा, इससे अच्छी तरह से लिपट जाती है, हां इससे देखो मशीन भी टाइट हो गई है, आज से लपेट तो दोगे तू, ही रहने दे तू, बिल्कुल भी ध्यान दे, हाथ से देर भी लगती, तू भी ले ले, कैसा ही हूं क्या गत्ता ना, मेरे को तो आती है, तो लपेट सकती नहीं, बार चार बार हाथ कट जाएगा, इतनी स्पीड से करा पहननी है ये तार, अरे भाई दोनों भाई अपने कर रहे तीज की तैयारी है ना, पतंग वतंग ले आए, डोर ले आए, चरखा ले आए, अपने परसों उड़ाए, कल और परसों है 15 अगस्त भी तो है, हाँ कल की ट्यूशन की छुट्टी करेगा, परसों की तो छुट्टी है सबकी, स्कूल की छुट्टी का मैसेज आ गया सबका, परसों की हाँ सबकी छुट्टी है, सही भरी जा रही इससे स्पीड में है ना, कैरिंग कर रही इसके अंदर, अच्छा अभी तो इतनी स्पीड में चल रहा है, सही भरी जा रही है।
बस तो मशीन की क्या वो मशीन सही में स्पीड कंट्रोल हो जाती है, मशीन में अपने आप लगती है, अपना हाथ लगा रहे वो बस ये पकड़ने रहते हैं कितना सामने सही है तो जल्दी भी लिपट रही है और अच्छी भी लिपट रही है। तो मोटर तो यूं है कि भाई जिन्हें बहुत सारी पतंग उड़ानी और या बहुत हाँ वो है अब एक एक दो दो चरखा भरने के लिए तो ये ठीक है बेटा भर ले मैं कर लूँ पूजा है कर लो तुम तैयारी अपने परसों की तो कल की और परसों की कल और परसों की तैयारी कर रहा दोनों है कर लो मैं पूजा कर लो। और ये देखिए भाई लंच बॉक्स भी अब निकाल रही है 7 बजे अब उठाया मैंने इसको और अब लंच बॉक्स निकाला है और अब करेगी अपने स्कूल का काम। आई थी स्कूल से आते ही अपने थोड़े से बस एक पूरी खाई थी है ना और सो गई और अब तो उठ के थोड़ा मुँह तो धोया मम्मी एक बार टोर चोन करना और भाई गुड्डू लेके आई मोमोज क्योंकि जिसकी तो चर्च से पतंग आ गए 800-900 रुपए के हैं और वो कह रही थी जैसे मेरा तो मैं तो 30 रुपये पतंग उड़ाती नहीं मेरे को भी कुछ ला के दो तो उसने मोमोज मंगाए अब उसको मोमोज भी खाने उसने अपने मोमोज देने दिए दोनों बहन भाई चलो लड़ाई करने लग गए और री री करके पीछे पड़ पड़ के चार तो फिर भी मोमोज इसने ले ही दिए और खा लिए हमको चिड़ा चिड़ा के हमारा है वर्त हम तो भाई अपने सामान बनाएंगे।